हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, अजब कहानी है, जो कल तक कह रहे थे कि एक दूसरे की सियासत को दफन कर देंगे, आज इनका मिलन हो गया है। 24 घंटों में क्या हो गया कि सारे खून माफ़ हो गए। पाकिस्तान पीएसपी और एमक्यूएम पाकिस्तान के दरमियान फारूक सत्तार साहब ने आज कुछ ही देर पहले क्या कहा, आइए देखते हैं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का खुसूसी मकसद यह है कि सिंध, सूबा सिंध और शहर कराची में यहां के वोट बैंक की तकसीम को रोका जाए, नंबर एक। नंबर दो, अदम तशद्दुद और अदम तसादुम की पॉलिसी को हर हाल में कामयाब किया जाए। नंबर तीन, अमन को देरपा अमन में तब्दील किया जाए। और नाजरीन, कल तक पीएसपी के मुस्तफा कमाल क्या कह रहे थे एमक्यूएम पाकिस्तान के बारे में, वो भी सुन लीजिए। एमक्यूएम और उसके कारनामों से इंसानों को खतरा है, मेरे पाकिस्तानियों को खतरा है, मेरे पाकिस्तान को खतरा है और मेरी कम्युनिटी को सबसे ज्यादा खतरा है। मुहाजिरों को सबसे ज्यादा नुकसान है, सबसे ज्यादा खतरा है। इसलिए नहीं कर रहा पीएसपी, कोई साजिश नहीं कर रही। बबांगे दोहल कह रही है हमने इस एमक्यूएम को दफन करना है, हमने इस एमक्यूएम को जमी बोस करना है, हमने इस एमक्यूएम को दफन करना है, ये कह रहे थे कल तक। आज मिलन हो गया उसी एमक्यूएम के साथ। इस वक्त हमारे साथ लाहौर से मौजूद है मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा शाइस्ता परवेज़ मलिक, और ये उन ख़वातीन में से शामिल हैं जो मुश्किल वक्त में भी मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी रहीं, डटी रहीं। तहरीक इंसाफ से शरीक कर रहे हैं एक और कारकुन एजाज़ चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। और इस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन जो सिंध असेंबली में हैं ख्वाजा इजहारुल हसन, वो भी हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं। सईद गनी साहब जो साबिक सेनेटर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं, वो इस वक्त हमारे साथ स्काइप पे मौजूद हैं। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, क्या समझे, मर्जर हुआ है, कंसेंसस हुआ है, इत्तेहाद हुआ है, क्या हुआ है आपका एमक्यूएम पाकिस्तान और पीएसपी के दरमियान? लेकिन सबसे पहली चीज, बड़ा कैटेगोरिकली मैं कहना चाहता हूँ कि कराची में माजी में 90 की दहाई में एमक्यूएम और एमक्यूएम हकीकी की एक बदतरीन मिसाल मौजूद है, जिसमें मुताबिक पुरतशद्दुद वाकयात पेश आए और काफी कराची को नुकसान पहुंचा। मैं कम से कम ये पुरुमी जरूर हूँ कि आज एक साल बाद ही सही दो मुख्तलिफुल ख्याल जमाते एक जगह बैठकर कुछ बुनियादी बातों पर उन्होंने आगाज किया है। मैं फारूक भाई के स्टेटमेंट को दोहरा कर उनकी ही बात करूंगा। ये कंसेंसस हुआ है कि दोनों कायदीन ने बैठ के ये तय किया है कि कराची में ये जो बयानात आपने दिखाए, इस तंदोतेज बयानात के सिलसिले को खत्म करेंगे। ये जो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना, विकटे गिराना, ये एमपी उधर, वो डिप्टी मेयर उधर, ये जो एक दूसरे की ताकत को कम करना, ये जो सिलसिला है इसको तर्क करेंगे। मिलकर कराची की तामीर और तरक्की के लिए जी, ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, कता कलामी माफ, मुझे पता है कि वक्त की किल्लत है, आपने भी एक और प्रोग्राम में जाना है। मैं आपसे कुछ पिन पॉइंटेड सवाल करना चाहती हूं, क्योंकि हमारे जो दीगर मेहमान हैं वो भी शायद कश्मकश में हो कि एक्चुअली हुआ क्या है। एमक्यूएम का नाम एमक्यूएम रहेगा और आपका जो इंतखाबी सिंबल है काइट, वो रहेगा कि नहीं रहेगा? चूंकि मुस्तफा कमाल साहब आज कह चुके हैं कि एमक्यूएम का नाम जो है वो खत्म हो जाएगा, चूंकि वो बड़ा बदनाम हो चुका है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, आज कंसेंसस का आगाज है। ये लफ्ज, इसको कोई मर्जर अगर कह रहा है तो कोई नया नाम तो सामने नहीं आया ना।
जी ये दो जमातों के सरबरा बैठे थे, एक एमकेएम पाकिस्तान के सरबरा जिन्होंने 5 नवंबर को भी फिर एक भरपूर रैली से खिताब किया जी, तो लोग एक पीएसपी के सरबरा मुस्तफा कमाल सियासत है देखते चले आ रहे हैं। साथ बैठने का मतलब उनसे ये तवक्को नहीं कि वो बदल लें, लेकिन उनके ख्याल सुनकर हमारा मौकफ तब्दील नहीं हो सकता, हमारी सब कह सकते। लेकिन मनीष जी ये सब है, अच्छा आपकी आवाज चूंकि ड्रॉप हो रही है, मैं फिर से कोशिश करूंगी आखिरी सवाल आपसे करने की, अगर नहीं हो पाएगा तो हम फिर से डायल करने की कोशिश करेंगे कि एक तरीके से फारूक सत्तार साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी इस तरह था जिस तरह किसी ने उनको जबरदस्ती वहां पे ला के बिठाया हो, तो ये जब कंसेंसस होने जाता है तो ये पहली चीजें तय हो जाती हैं कि जी सिंबल क्या होगा, एमक्यूएम का नाम होगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मीडिया के सामने तो नहीं इसके ऊपर बहस की जाती ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, और आप तो एक बड़ी ऑर्गेनाइज जमात है, ये कैसे हो गया? देखिए दो जमातों के सरबरा बैठे हैं, ये तय हुआ है कि भाई एक जमात के निशान और एक जमात के मंशूर पे जाएंगे, वो जमात पीएसपी भी है, वो जमात एमक्यूएम पाकिस्तान भी है, और अभी फिलहाल उस पर गौर और फिक्र का कोई आगाज हुआ नहीं है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, एक तो प्रेस क्लब पर रश बहुत था, बहुत तूफानी बदतमीजी और बहुत कारकुनान का जब मैं गफीर था जी। तो यकीनन एक ये सूरत हाल में जरूर रही परेशानी की, लेकिन मैं वाजे तौर पर कहना चाहता हूं दोनों जमातों ने अलहदा अलहदा हैसियत से अपने अपने पार्टी के सरबरा की हैसियत से आवाज का इंडिया दिया है, तय होना बाकी है बहुत कुछ और सफर अभी बाकी है। अच्छा सफर अभी बाकी है, मगर सईद गनी साहब आपने कुछ ही देर पहले ट्वीट कर दिया कि फारूक सत्तार जो हैं वो पीएसपी में शामिल हो गए हैं, इसकी क्या वजह है? नहीं अभी आपने ख्वाजा साहब की बातें सुनी है, वो भी कोई वाजे जवाब बहुत सारी चीजों का नहीं दे रहे हैं, पर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब इतना बड़ा फैसला हुआ है, और मैं कम से कम इस फैसले को गलत नहीं समझता, सियासी जमातों में मुलाकातें होती हैं, आपस में इलाज भी होते हैं और ये तो साथ चलते रहे अपना आपस में लोग, लेकिन जितनी मुखालफतें थी अभी कल ही की बात है, गालिबन मुस्तफा कमाल साहब ये कह रहे थे फारूक सत्तार साहब को कि भाई हमारे पास आने वाले को आप कहते हैं कि वो किसी इशारे पर आते हैं, किसी दबाव में आते हैं, तो आप भी तो गए थे अल्ताफ हुसैन के होकर और एक रात में फिर आप जो है वो एमकेएम पाकिस्तान बनकर आ गए, तो वो भी उनसे वजाहतें ले रहे थे। जब इतनी दूरियां और इतने इख्तलाफात हों तो जब आप बैठते हैं तो बहुत सारी चीजें तय करके बैठते हैं, लेकिन बहरहाल ये इनका मसला है, तय करके बैठते हैं नहीं तय करके बैठते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो भी लोग हैं, जो भी इनके बीच में ऐसे दोस्त इनके अंदर आए हैं जिन्होंने इनको बिठाया है, इलाक होना कोई गलत बात नहीं है, बुरी बात नहीं है, सियासी जमातें करती हैं जी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो भी एमक्यूएम बनेगी या कोई और नाम आएगा उसका जी, वो अल्ताफ हुसैन की एमक्यूएम की तरह इंतखाबात लड़ने या उस किस्म की हिमायत लेने की कोशिश नहीं करेगी। चले ये तो सियासी जमातें जिस तरह जी अमन की उम्मीद तो जी सईद गनी साहब अमन की उम्मीद तो सबसे है, शाइस्ता परवेज साहिबा जिस किस्म का ये मर्जर हुआ है, रातों रात मर्जर हो गया, किसी किस्म की खबर सामने नहीं आई, फारूक सत्तार साहब बड़े परेशान लग रहे थे आज, उनके बयानात कुछ और थे, मुस्तफा कमाल साहब के बयानात कुछ और थे, उन्होंने कहा कि जी एमक्यूएम पाकिस्तान का लफ्ज़ तो बिल्कुल दफन हो गया, फिर उन्होंने ये कहा कि भाई का लफ्ज़ बड़ा बदनाम हो गया, तो आगे से फारूक सत्तार साहब ने कह दिया नहीं भाई के नाम को हम फिर से वो इज्जत देंगे जो उसकी होती थी, तो इसको आप कैसे देख रही हैं, इस तरह इलाक एकदम कैसे हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीज़ा पहले तो थैंक शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया। मैं आप ही की गुफ्तगू जो सुन रही थी उसमें से मैंने कुछ अल्फाज देखे कि आपने नोटिस किया कि बॉडी लैंग्वेज क्या थी, फिर मेरे भाई ने सईद गनी साहब ने कहा कि किसी दोस्त या किस हमदर्द ने इनको इकट्ठा बिठाया, तो आजकल जो हमारे दोस्त और हमदर्द हैं वो बहुत सी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिनकी आपने क्लिपिंग्स भी दिखाई, जो नामुमकिन था वो मुमकिन अब हुआ, फैसला मैं कह रही हूँ कि सही हुआ, लेकिन किस अंदाज से हुआ, किस वक्त पे हुआ और कैसे हुआ
ये सवाल हैं जो हमारे भी जहनों में आ रहे हैं और आपने भी कहा और सईद गनी साहब ने भी कहा। अब आगे देखना है कि जिसने इनको बिठाया या जिसने मजबूर किया उसको लीड कौन करेगा। अब आया ये पार्टी दुबई से उन लोगों की लीड किया जाएगा जो यहाँ से भागे हुए हैं, वो लोग लीड करेंगे जो मुकदमात को फेस ना कर सके, इनको कौन लीड करेगा? नहीं, उसका तो मेरा ख्याल है, उसका जवाब आ गया था। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक हैं लीडर जो ख्वाब देखते रहते हैं, उन्होंने कहा है कि मुझे ख्वाब आई है कि दुबई से मुशर्रफ साहब उसको लीड करेंगे। तो इजाज़ चौधरी साहब, आप कुछ इसका खैर मकदम करते हैं? जी बहुत शुक्रिया मनीजे। ऑफकोर्स अगर कुछ लोग मिल बैठे तो उनका खैर मकदम ही करना चाहिए, जरूर जरूर, लेकिन एक बहुत बड़े लेकिन के साथ। क्यों? देखिए ये सब लोग इकट्ठे थे और जो इनके सरबराह थे बहुत ही कंट्रोवर्शियल यानी सियासतदान है, 30 साल से लंदन में बैठे हुए थे जी, और कराची एक गुज़श्ता 3 दहाइयों में एक दलदल के अंदर धंसा हुआ था और कत्लो गारतगरी और भत्ताखोरी और बोरी बंद लाशें और उसका सुकून और उसका अमन जी तौबाला होकर रह गया था जी। अच्छा अब ये फिर इकट्ठे हो गए जी, ये मेरा खदशा है। क्या खदशा? हाकम बदहन यानी वो जो गुरु है वो तो लंदन में था 30 साल से, तो आपका ये खदशा है कि वो गुरु इनका गुरु रहेगा, वो गायब नहीं होगा? मैंने तो कभी, मैं अगर आपको एक पुराना प्रोग्राम याद हो आपका तो मैंने यहाँ कहा था कि ये जो सतार साहब हैं ये उनसे जुड़े हुए हैं, ये बिल्कुल अलग नहीं है। अच्छा, और एक ड्रामाई अंदाज में जो कुछ आज हुआ है जी, आज आपने अभी बॉडी लैंग्वेज की बात की जी, तो फारूक सत्तार दबाव में थे और जो मुस्तफा कमाल थे वो फातेहाना अंदाज इख्तियार किए हुए थे। सिर्फ इनमें से अच्छा, एक बात और सुन लें, इनमें से बहुत सारे लोग जरायम पेशा हैं, कत्लो गारतगरी, रैंसम, आग लगाना, ये सब इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल करप्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं। अगर तो जी वो सारा गतरबूद हो जाना है तो फिर आप समझ लीजिए कि जिस दलदल से कराची निकला था आज फिर उस दलदल में जाने का आगाज। ठीक है ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, आपने इधर बात सुनी इजाज़ चौधरी की, शाइस्ता परवेज साहिबा की भी, आप क्या कहेंगे? ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे आपकी आवाज आ रही है, फरमाइए। इजाज़ चौधरी साहब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ये कह रहे हैं कि जी हमें समझ में नहीं आ रही कि इनका जो असल गुरु है वो कौन है, क्या वो लंदन में बैठा हुआ है या दुबई से एक नया गुरु आएगा आपकी सरबराही करने। और दूसरी बात ये कि जो कत्लो गारत होती रही है कराची के अंदर, सो जितने भी लोग इसके अंदर इल्ज़ाम है उनके ऊपर, तो अब क्या मर्जर से सारे केसेस आपके खिलाफ ड्रॉप हो जाएंगे? मैं दोबारा से आपसे कहना चाह रहा हूँ, इजाज़ चौधरी साहब की भी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूँ, हम दो समाज समझता हूँ कतई सही मुनासिब नहीं है। हमारा अलहदा मंशूर है, हमारा अलहदा परचम है, हम अलहदा कामयाब सियासत कर रहे हैं। मुस्तफा कमाल साहब की एक अलग आइडियोलॉजी है, वो एक प्रेसिडेंशियल निजाम के हामी है, एक अलग सिलसिला है। सर एक कथा कलामी माफ, एक छोटा सा सवाल की इजाजत दीजिए कि जब 2018 के इलेक्शन होंगे तो उसके अंदर एमक्यूएम पाकिस्तान के तौर पे कंटेस्ट करेगी और पीएसपी के नाम से एक तो अपने आप को रजिस्टर कराएगी और कंटेस्ट भी करेगी, क्या यही होगा? नहीं ऐसा, हमने ये तय किया है कि हम अपनी दोनों जमातों में या अगर हमारे डायलॉग में कोई तीसरा ऑप्शन है तो हम जाएंगे एक ही निशान और एक ही पार्टी के ऊपर एक फोर फन के इलेक्शन में, लेकिन ना ये तय हुआ है कि हम पीएसपी छोड़ रहे हैं, ना ये तय हुआ है कि हमने पाकिस्तान छोड़ दी है, ना ये तय हुआ है, क्योंकि ये तो अभी आगाज है, अब मुसलसल डायलॉग्स होने हैं, दोनों पार्टियों के लीडरान में बैठना है, ये टेलीविजन के ऊपर अभी कंक्लूजन आ रहा है। मैं समझता हूँ ये कंक्लूजन पीएसपी के कारकुनान के लिए भी कंफ्यूजन है, एमके पाकिस्तान के लिए भी, मैं बड़ा वाजे कर रहा हूं कि फिलहाल कंक्लूजन बनाया जाए, आगाज हुआ है, पहला स्टेप है, ठीक है,
दोनों जमातें अलग अलग हैं। 2018 में इंशाल्लाह कोशिश होगी कि एक जमात के प्लेटफॉर्म से हिस्सा लें, वो कोई भी जमात हो सकती है। ठीक है ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना वक्त हमें दिया। सईद गनी साहब आपकी जानिब आऊंगी, आपके ही एक लीडर ने कह दिया था कि जो अब MQM बनेगी उसको मर्ज कर दिया जाएगा और दुबई से मुशर्रफ साहब को लाया जाएगा, क्या वो वाकई में ख्वाब देखते हैं या ख्वाब उनको कोई बताता है? देखिए मेरा ख्याल है कि वो एक सीनियर पॉलिटिकल वर्कर हैं, सीनियर सियासतदान हैं, उनकी सियासत पर नजर है और वो अपने तजियात का इजहार करते हैं। अब मुझे नहीं पता कि वाकई वो रात को ख्वाब देख के बताते हैं या वैसे कहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि तजिया करते हैं और तजिया अमूमन उनके दुरुस्त होते हैं। मुझे भी पहले तो यकीन नहीं था कि शायद मुशर्रफ साहब का कोई रोल बनता है इनकी जमात में, लेकिन जिस तरह वो एक्टिव भी हुए हैं, इनकी जमात इकट्ठी भी हुई है, तो ये भी जो आज काम हुआ ये भी लोगों को होता हुआ नजर नहीं आ रहा था, ये हो गया है तो शायद मुशर्रफ वाला भी हो जाए। तो अनहोनी तो कोई रही नहीं ना MQM के हवाले से, अब कोई भी हो सकता है। जब अगर मुशर्रफ का हो जाए तो फिर मुशर्रफ को मुल्क में वापस आना पड़ेगा। शाइस्ता परवेज साहिबा, इस वक्त जो हालात हैं जहां पे सबका एहतसाब हो रहा है, आप समझती हैं कि वो माहौल है जिसके अंदर मुशर्रफ साहब वापस आ सकते हैं और इसकी MQM की क्यादत संभाल सकते? मुनीजे, मैं बगैर किसी उसके ये बात कहूंगी कि देखें हमारे तहफ्फुज़ात अपनी जगह हैं और हमें एक नहीं बहुत से तहफ्फुज़ात हैं, और मैं आपको आज ये बात कह रही हूँ कि यहाँ किसी का एहतसाब नहीं हो रहा उस तरह से जिस तरह मियां नवाज शरीफ का हो रहा है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक इंसान, एक फैमिली का एहतसाब है और किसी का नहीं है, क्योंकि हम भी केसेस को फॉलो कर रहे हैं, आप भी देख रही हैं और सारी दुनिया देख रही है और सारे पाकिस्तान देख रहा है कि क्या हो रहा है। तो वो आ भी जाएं तो मैं आपको पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो देखें जस्टिस शुड बी सीन, वो हमें नजर नहीं आ रही है। आई एम सॉरी, इसके पर मैं जरूर आऊंगी, मगर आपसे एक और सवाल करना चाहती हूँ कि आज फारूक सत्तार साहब ने कहा, बल्कि लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि जब तक हल्का बंदियां सही मायने में और मर्दुम शुमारी सही मायने में नहीं होती तो तब तक आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ऑलरेडी MQM जो है सुप्रीम कोर्ट में चली गई है, इलेक्शंस क्या वक्त पे होंगे? देखिए चूंकि PTI ने कह दिया कि जी कबलस वक्त इलेक्शन होने चाहिए, ये तो मामला बड़ा खराब हो गया। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, देखें मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि सारी जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद है कि वो प्रोसेस को चलाएं और प्रोसेस को चलाने में मदद करें। देखें जब ये कंसेंसस हो रहा था, सारा प्रोसेस जब हो रहा था, इसमें एग्जेक्टिव के साथ हमारी आर्म्ड फोर्सेस भी इन्वॉल्व थी। अगर ये इस वक्त कहते हैं तो इसका मतलब है कि कहां से लोग आएंगे जो कंसेंसस करेंगे, क्योंकि उस वक्त कोई नहीं बोला, किसी ने अपने किसी तहफ्फुज का जिक्र नहीं किया, किसी ऑब्जेक्शन कोई सामने नहीं आई। ये क्या हो गया इस मुल्क में कि जब यहाँ पे रिजल्ट्स आ जाते हैं, मगर आपको इस माहौल में इलेक्शंस वक्त पे होते हुए नजर आ रहे हैं? अगर आप मेरी जाती राय पूछती हैं तो मुझे नजर नहीं आ रहे मेरी जाती राय में, क्योंकि ये जो वही लोग जिनके कहने शरारत या जिनके कहने से बिठाया जा रहा है, जिनके कहने से ये चेंजेस आ रहे हैं, आई थिंक उनके उनके इंटरेस्ट में इस वक्त ये नहीं है कि पाकिस्तान, एक डेमोक्रेटिक कंट्री और एक मुस्तहकम पाकिस्तान आगे बढ़े। मुझे नहीं नजर ये कौन लोग हैं शाइस्ता जी, दिस इज माय पर्सनल व्यू। छोटा सा सवाल, ये कौन, ये वही लोग हैं जिनका नहीं, ये देखें ये वही लोग हैं जिनका सईद गनी साहब ने कहा, जिनका आपने कहा कि उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि उनको जबरदस्ती बिठाया गया। कौन, किसने जबरदस्ती बिठाया है, कौन वो लोग हैं जिन्होंने इनको इकट्ठा किया है, मुझे नहीं समझ आ रही। हम तो ये देख रहे हैं कि वो अनहोनियां इस मुल्क में हो रही हैं जो पहले कभी नहीं हुई थी। मुनीजा, ये होती रही है शाइस्ता साहिबा, सियासत को तजिया निगार कहते हैं, किसी और जमात के साथ होती रही है जो हमारे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं। खुफिया हाथ की सभी सियासतदान बात करते हैं तो खुफिया हाथ फिर ये तो कभी भी नहीं रुकेगा। अच्छा, ये सिलसिले फिर नहीं रुकेंगे। मुझे अगर आज हम नहीं, मगर हमने नई सबक सीखा, मगर तो मुझे एक इधर एक छोटा सा वक्फा लेना है, वक्फे के बाद खुफिया हाथ के बारे में बात करेंगे, एहतसाब जो इस्लामाबाद के अंदर हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद।
वो मैं समझता था, मुझे मालूम था कि रिव्यू का फैसला कभी भी मेरे हक में नहीं आएगा, क्योंकि ये जज साहबान भुगत से भरे बैठे हैं और कल उनका भुगत, उनका गुस्सा उनके अल्फाज में आ गया है। आपने देखा कि जो अल्फाज आए हैं इसमें, वो भुगत अल्फाज के अंदर ढल गया है, और मैं ये समझता हूँ कि ये सारा भुगत और सारा गुस्सा और ये सारे अल्फाज जो है, ये एक तारीख का स्याह बाब बनेंगे। और आप जानते हैं कि पिछले 70 सालों में कई स्याह और आग लिखे गए हैं हमारी अदलिया की तरफ से, जब भी कुछ डिक्टेटर्स आए हैं। तो आज ये जो फैसला है, ये भी स्याह हरूफ के साथ लिखा जाएगा तारीख। नाज़रीन, ये थे साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, जो आज एहतसाब अदालत के बाहर अदलिया को तंकीद का निशाना बना रहे थे और आज पेश भी हुए, जहाँ जज मोहम्मद बशीर ने नैब रेफरेंसेस को यकजा करने की इनकी दरख्वास्त मुस्तरद करके दोबारा फर्द जुर्म आयद कर दी। और साबिक वज़ीर आज़म ने सहत जुर्म से इनकार करते हुए कहा कि इनके खिलाफ मुकदमात सियासी हैं और शफाफ ट्रायल का मौका नहीं मिल रहा। नाज़रीन, आज मुस्लिम लीग नून के इजलास में दर इस्लामाबाद में आला क़यादत ने खुलकर अदलिया और इनके हामियों के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। याद रहे, कल ही सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की नाअहली पर नज़रसानी की अपील पर तफसीली फैसले में साबिक वज़ीर आज़म को शदीद तंकीद का निशाना बनाया। फैसले में कुछ यूँ लिखा था, नवाज शरीफ ने कभी भी मुकम्मल सच नहीं बताया, पार्लियामेंट के अंदर और बाहर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, और ये सोचे समझे बगैर कि कुछ वक्त तो लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, हर वक्त हर किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। अदालत को भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई। मोजिस जजों ने इस फैसले में नामवर शायर फिराक जलालपुरी के इस शेर का भी सहारा लिया, इधर उधर की ना बात कर ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे राहजनों से गिला नहीं तेरी रहबरी का सवाल है। आज मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत भी अपने कायद की सदारत में सर जोड़ कर बैठी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जानिब इस शेर का एक तरीके से जवाब दिया है, शिकवा किया है। आइए देखते क्या है। तू इधर उधर की ना बात कर ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे राहजनों से गिला नहीं तेरी मुनसफी का सवाल है। नून लीग ने अदलिया के हामियों को भी रगड़ा। एलामिया में लिखा गया है कि काफले इसलिए लुटे क्योंकि राहजनों के हाथों पर बैत की गई, राहजनों से वफादारी के हल्फ उठाए गए, राहजनों की राहजनी को जवाज़ फराहम करने के लिए नजरिया ज़रूरत ईजाद किए गए, राहजनों को आइन से खेलने के फरमान जारी किए गए। 70 साल पर फैला हुआ सवाल राहबरी का नहीं मुनसफी का है। इस वक्त हमारे साथ मुजाहिद बरेलवी भी हैं। मुजाहिद साहब, आपकी जानिब सबसे पहले आऊंगी। आज जो कुछ इस्लामाबाद के अंदर हुआ है, मुझे पता है आपकी नज़रें तो कराची के ऊपर थीं, मगर आज जो कुछ इस्लामाबाद के अंदर हुआ है उससे तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खुलेआम आ गई है जजेस के सामने और सबने तंकीद का निशाना बनाया है, PTI ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, तो क्या लग रहा है आपको कि आगे क्या होने वाला है? एक तो मुझे टाइमिंग बड़ी अहम है मुनीदे, मैं यानी ये जो हंगामा खेजी कराची में हुई, और मैं अभी थोड़ी देर पहले टीवी पे कह रहा था कि हमारे उस्ताद मोहतरम निसार उस्मानी कहा करते थे, जहाँ वाकया हो या खबर हो वहाँ पहुँचो। तो आज मैं 4 घंटे प्रेस क्लब में रहा शाम से, और अब तक जो हंगामा खेजी देखी वो आपने देखी होगी। देखिए, जहाँ तक अब जो आपने जो नवाज शरीफ साहब का कहा है, तो जो खास तौर पर पता नहीं किस दानिश्वर जज ने ये शेर पढ़ा, इससे सॉरी टू से सोहिन अदालत के जिम्मे में नहीं लिएगा, लेकिन अगर यही सवाल ये कह जाए कि आप अगर सियासतदानों से पूछते हैं कि तेरी रहबरी का सवाल है, तो ये बात दुरुस्त है कि मुनसफी का सवाल ये है कि आखिर जस्टिस अनवारुल हक को खबर से क्यों नहीं निकालते कि उसने भुट्टो का जुडिशियल मर्डर क्यों किया, बाद के जजों ने बेगम नुसरत भुट्टो के साथ किया, मैं तो और पीछे जाऊंगा जस्टिस मुनीर ने क्या किया, फिर इन जजों ने बाद में किसी तरीके से मुशर्रफ को जो है यहाँ पर मुसलमान रखने के लिए पैसे दिए, फिर चौधरी कोर्टों ने ये क्या किया। तो सॉरी जो से अगर आप सियासतदानों को कठेरे में लाकर ये कहते हैं कि वो रहजन है, तो इन जजों से भी पूछा जा सकता है कि जनाब आप लोगों के फैसलों ने मुल्क की सियासत को कितना नुकसान पहुंचाया। मगर शाइस्ता परवेज साहिबा से मैं पूछूंगी मुजाहिद साहब के, बात सिर्फ जजों पे ही रुकती है? क्योंकि आज जो आपने अपना अलामिया जारी किया है, उधर तो आपने बड़ी क्लियरली कहा है, आप उनसे भी तो पूछे जिनसे ओथ लिया गया, जिन्होंने इनसे ओथ दिलवाए उनसे भी तो पूछे, तो क्या सिर्फ जजेस से ही आपकी गिला है या किसी और इदारे से भी? नहीं,
मैं ये शाइस्ता परवेज साहिबा से पूछ रही थी मुजाहिद साहब, पाकिस्तान में अगर आप जी मुजाहिद साहब, मैं शाइस्ता परवेज साहिबा से पूछ रही थी जी शाइस्ता साहिबा। मुजाहिद साहब, ये मुझे ये भी सियासतदान को एक कटेरे में खड़ा करना चाहती हैं। बहरहाल आप जरूर करें, लेकिन मैं आपको बताऊं, जो जजमेंट होती है ना, वो जजमेंट जो है उसमें कभी पर्सनल इमोशंस शुड नेवर बी रिफ्लेक्टेड। आई थिंक जजमेंट्स जो आज की आई, जो अल्फाज इस्तेमाल हुए, वो तो लग रहा है कोई नॉवेल है या किसी कोई शेर व शायरी हो रही है। देखें, हम जो बात कर रहे हैं वो हम इंसाफ चाहते हैं, और वो मैं नहीं, आप नहीं, सारे एक्स बार प्रेसिडेंट्स, एक्स रिटायर्ड जजेस, वो सब कह रहे हैं कि ये किस किस्म का, और हम ही नहीं कह रहे, मुल्क से बाहर भी जो लोग हैं वो इसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं ये एक हरिड किस्म की एक जजमेंट है, और जैसे कुछ बड़ी जल्दी है, जैसे कोई टाइम इनको दिया गया है कि इस टाइम में ये फैसले आ जाने। देखें, जो कुछ आज मियां नवाज शरीफ ने कहा वो बड़े अरसे से ये कह रहे थे, वो बावजूद मैं आपको ये कहूँ कि देखें, यहाँ से लोग भागे हुए भी हैं और कोर्ट को फेस नहीं कर रहे, लेकिन मियां नवाज शरीफ, मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ कोर्ट्स को फेस भी कर रहे हैं, वो यहाँ आ भी रहे हैं, उनके जितने तहफ्फुज़ात हैं उसके बावजूद उन्होंने हुकूमत भी छोड़ी, और हुकूमत इस वक्त चल भी रही है। साहिबा, ये बहुत बार बातें हो चुकी हैं, मगर जिस तेजी से मामला चल रहे हैं, जाज चौधरी साहब आपकी जानिब आऊंगी, आपने तो कबल वक्त इलेक्शन का मुतालबा भी कर दिया है, मगर ये बताइए कि आप समझते हैं जी, मैं सिर्फ इजाज़ चौधरी साहब का रिस्पांस लेना चाहती हूँ, जब आप कबल वक्त इलेक्शन का मुतालबा करते हैं तो क्या आप नहीं चाहते कि जो अब सेंसस हुआ है उसके मुताबिक हो इलेक्शन? मरीज़े, एक गुजारिश मैंने करनी है जी, जी। मेरी बारी तकरीबन 40 मिनट के बाद आई है जी सर, तो मुझे एक बहुत सारी बातें जमा हो गई है, इजाजत दे दीजिए जी। जी, पहली बात तो ये कि वक्फे से, यानी दो वक्फे गुजर गए ना, जो मैं नहीं बात कर सका। मैंने जिस गुरु का जिक्र किया था वो दुबई की तरफ इशारा नहीं था, वो सिर्फ लंदन की तरफ इशारा था, और मैं अपने फैम के मुताबिक उनको और ये जो यहाँ पर दो तकसीम हुए थे इन्हें कभी अलग नहीं समझता था, मैं समझता हूँ ये एक ही स्टाफ है सारा। उसके बाद दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करूँ, जो आपने अब ये नई बहस शुरू की है नवाज शरीफ साहब के फैसले के हवाले से, उसमें भी हमने बिल्कुल गुफ्तगू उन चीज़ों पर की है जो मटीरियल नहीं है। मैं जो मटेरियल चीज़ें हैं वो आपको बताता हूँ। मटेरियल बात यह है कि नवाज शरीफ ने झूठा हल्फी बयान दाखिल किया, उसने अपने असासे छुपाए जानबूझकर, पार्लियामेंट और अवाम के सामने झूठ बोला, 6.5 साल तक तनख्वाह लेते रहे और उसको डिक्लेयर नहीं किया, और वो एक कंपनी में मुलाजिम थे जिसे डिक्लेयर नहीं किया, और फिर ये फिक्रा भी कि बादियों नज़र में मरियम बीबी जो हैं वो एवन फीड फ्लैट्स की मालिक हैं। मेरा ख्याल है कि ये है असल जो चार्जशीट है जी, प्राइम ऑफिस है, ये वो चार्जशीट है। हम, मेरा ख्याल है कि बहुत सारी दूसरी चीज़ों की तरफ मुतवज्जो हो गए हैं। मियाँ साहब ने भी आपको, आपने जो उनकी एक क्लिप सुनवाया है उसमें कहा कि जब डिक्टेटर आते हैं, इस वक्त तो माशाल्लाह मियाँ नवाज शरीफ की अपनी जमहूरी हकूमत है, और जो सिपा सालार है वो भी उन्होंने खुद अपनी मर्जी से मुकरर किया है, अपने यानी खास यानी कलम से, और जो मुनसफे आला हैं वो भी उसी यानी नजर मगर, से देखे मगर जाते इजाज चौधरी साहब, बात असल में ये है कि आप ये कह तो रहे हैं, मगर शाइस्ता बीबी से मैं पूछूंगी कि एक सेनेटर हैं साजिद मीर साहब, प्रोफेसर साजिद मीर साहब, जो पाकिस्तान मुकम्मल कर ले, चले फिर आगे भी तो बढ़े जी, आप अपनी बात मुकम्मल मीर साहब की तरफ आना चाहता था। अच्छा, तो फिर मुझे बताने देना, साजिद मीर साहब ने आज सेनेट के अंदर, बल्कि कल, आज तो खबर छपी है, सेनेट के अंदर उन्होंने कह दिया कि जी असल जो पावर है वो किसी और के पास है, ट्रॉयका का हवाला उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि उसके अंदर असल पावर जो है वो उन लोगों के पास है जिनके पास बंदूकें हैं। तो मैं आपसे आज पूछूंगी कि क्या ये जो बयान था उनका जाती बयान था, ये पार्टी की तर्जुमानी कर रहे थे कि या नवाज शरीफ साहब की सोच की अक्कासी कर रहे थे शाइस्ता साहिबा?
देखें, ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने उनसे पूछा नहीं है कि ये वो उनका जाती है कि नहीं, लेकिन मेरे अपने भाई से एक बात कहूंगी कि ये कहते हैं कि हुकूमत भी मियां नवाज शरीफ ने जिनको बताया उन वो कर रहे हैं और हुकूमत हो रही, तो फिर इनको अर्ली इलेक्शंस की क्यों डिमांड आ रही है? मतलब फिर क्या वजह है? हुकूमत चल रही है, हुकूमत इज फंक्शनिंग, फिर व्हाई डिमांड फॉर अर्ली इलेक्शंस? जी इजाज चौधरी साहब बताइए। देखिए मैं आपसे अर्ज करता हूं, आप ये जानते हैं कि पिछले दो हफ्ते से स्पीकर जो कौमी असम्बली के हैं वो पार्लिमानी पार्टियों का इजलास बुलवा के तो इस बात पे इतफाक हो गया था कि हम ये जो सेंसस हो गया है जो अभी तक फाइनल नहीं हुआ, प्रिवेनर रिजल्ट्स के ऊपर ही डिलिमिटेशन कर दें। ठीक है, एक दफा इजलास बुलवाया, दूसरी दफा इजलास बुलवाया, हुकूमत अपने मेंबरान को जमा नहीं कर सकी और इसकी क्या वजह है इजाज चौधरी साहब, इसकी क्या वजह है कि वो जो हुकूमत जी, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हुकूमत वो एतमाद खो चुकी है कि जो उसके अपने मेंबरान असेंबली के ऊपर है। ये बहुत बार शाइस्ता साहिबा बहुत बार ये कह चुके हैं और आज हमने देखा है कि हुकूमत के मिनिस्टर ने अपने पाकिस्तान का वजीर खजाना फाइनेंशियल कमेटी के ऊपर तंकीद भी की है, वो जा चुका है जी, और कहीं जाके इलाज करा रहा है, उसका कोई मुतबादल यहाँ पे नहीं जी, है जी, ऐसी डिसफंक्शनल गवर्नमेंट से कहीं ज्यादा बेहतर है कि आप अर्ली इलेक्शन करा के, मियां साहब बहुत पॉपुलर हैं इस वक्त, शाइस्ता पर यही कहेंगी और कह रही है सारी मुस्लिम लीग नून, वो अब आपसे कुछ कहना चाह रही है जज साहब, आपसे कुछ कहना चाह रही है, देखे ना जो आपसे कुछ कहना चाह रही है जज साहब, चल रहा। देखिए मैं एक बात कहना चाहती हूँ इजाज भाई से कि देखें व्हाई इज ही वरिड के गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ है कि नहीं है, इनको तो प्रोसेस में, ये इतने डेमोक्रेटिक हैं कि इनको तो प्रोसेस में बिलीव करना चाहिए ना। और दूसरी बात ये कि देखें ये तो बात क्लियर हो गई है कि उनकी डिसक्वालिफिकेशन उन सब चीजों पे नहीं हुई, उनकी डिसक्वालिफिकेशन अकामे पे हुई है, ये जो अब चीजें वो आ रही हैं वो नहीं, बात नहीं, मगर, जो आई मगर शाइस्ता साहिबा देखें आज आपके एक इजाज़ एक मिनट शाइस्ता साहिबा, आज एक आपके ही काबीना के मिनिस्टर ने तंकीद की है साहबदार के ऊपर कि वो नहीं आते, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया है, उनको आना चाहिए, आपकी अपनी जो फाइनेंस कमेटी के हेड है उन्होंने भी तंकीद, मेरी बात सुने कोई जी, देखें कोई क्राइसिस नहीं हुई, हुकूमत इज फंक्शनिंग, सब काम हो रहे हैं। मुझे ये बताएं कि मेरे भाई की पार्टी के साथ और कौन सी पार्टी खड़ी है जो अर्ली इलेक्शंस की डिमांड कर रही है, कोई और पार्टी जो इनके मैं साथ तो खड़ी जी आपको हल बता रहा हूं। अपनी है मैं तो हल बता रहा हूँ कि जब हुकूमत ना चल रही हो, नहीं सर आपने वो बात वाजे तौर पे की है, मगर सवाल ये है मुजाहिद बरेलवी साहब, आप तो सियासत बड़े अरसे से कवर करते रहे हैं, ये मरले आपने बहुत दफा देखे हैं, मगर ये बताइए कि एक तरफ से हमें तो ये बातें डिमांड्स मिलती हैं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ करती है जल्द इलेक्शन कराएं, एमक्यूएम कहती है सेंसस हमें कबूल नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है काउंसिल ऑफ कमर्शियल काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर चले जाएं, और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर ही टूट फूट हो रही है, रियाज पीरजादा का आपने बयान सुन लिया नहीं होगा जी, बिल्कुल कोई टूट फूट नहीं है, रियाज पीरजादा ने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब को जल्द से जल्द आप लाएं सामने लीडरशिप, और उन्होंने कहा हमारी पार्टी का मुस्तकबिल हमें नहीं मालूम कि क्या होगा, मुजाहिद साहब नहीं जी उनको नहीं मालूम होगा, ऐसी कोई बात नहीं है पार्टी में कोई तोड़ फोड़ है, यहाँ भी एक कहा जा रहा है कि वफादारियां तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, पीपल्स पार्टी हो रही है बिल्कुल के दौर में एक तरह डाल के एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया गया, ठीक है मुझे मुस्लिम लीग नून की लाख शिकायती हूँ, लाख उन्होंने जो डेमोक्रेसी के हवाले से जो भी उनका जो खानदानी है इंकलाब, लेकिन जिस तरह एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाने की जो एक्ट कर रही है, इसको कोई भी इस मुल्क में जो जमहूरियत से वापस कर रहा है इसको अप्रिशिएट नहीं करेगा, और ये मैं समझता हूँ कि रियाज पीरजादा साहब जो गालिबान पता नहीं कितनी बार अपनी वो वफादारियां तब्दील कर चुके हैं, ये तो पहले भी पता नहीं क्यों मियां साहब ऐसे लोगों को कबूल कैसे, रियाज पीरजादा साहब मुशरफ के साथ गए थे, ये पॉइंट है आपके पास, एमएलए ऐसे थे जो काफ लीग के जो इस वक्त नून लीग के एमएलए बने हैं ये फिर से यार काफ लीग करना चाहते हैं, ये बात बाद है कि इस वक्त जो है इसको मुद्दत पूरी करने दें, इसलिए नहीं जी ये जो आप कहते हैं अर्ली पोल की बात, अब तो अर्ली पोल हो ही नहीं सकते,
इलेक्शन कमीशन कहता है कि जनाब हमने फिर से ही तैयारी नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि सेंसस के तहत जो हाल ही में हुआ है उसके तहत ही इलेक्शंस होंगे, मगर शाइस्ता साहिबा दूसरी तरफ ये भी देखा है कि तेजी से ये केस बढ़ रहा है। क्या शरीफ खानदान, चूंकि आप उनके बहुत करीब हैं, मरियम साहिबा, मियाँ नवाज शरीफ साहब, क्या जहनी तौर पे रेडी हैं कि जी अगर उनको जेलें देखनी पड़े तो देखेंगे? देखें, वो एक सियासी लीडर हैं और ये तो वक्त ही बताएगा। उन्होंने पहले भी बहुत सख्तियां झेली हैं, उनको मुल्क बदर किया गया, वो मुल्क से बाहर रहे, उन्हें अभी भी लोग कहते थे कि वो वापस नहीं आएंगे, वो वापस आए ही, दे आर पॉलिटिकल लीडर्स एंड दे विल फेस इट। और मैं दूसरी बात पीरजादा साहब के जवाब में ये कहूँगी कि शहबाज शरीफ साहब खुद कई दफ़ा कह चुके हैं कि मियाँ नवाज शरीफ इज़ आर अनडिस्प्यूटेड लीडर, और पार्टी ने भी कई दफ़ा अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मियाँ नवाज शरीफ के हक में।